नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बीएससी पार्ट फाइनल ईयर एग्जामिशन 2024 का। केमिस्ट्री का सेकंड पेपर की हम बात करने वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 45 नंबर रहेंगे। सेक्शन ए आपका 15 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी 15 नंबर का रहेगा, सेक्शन सी 15 नंबर का ही रहने वाला है। बात करते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ए के अंदर पहले का पहला, युग्मन स्थिरांक क्या है, एलील ब्रोमाइड में कितने प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, समझाइए क्योंकि पायरेल की तुलना में पिरिडीन अधिक क्षारकीय है, इसके बारे में बताएं। तेलों के आयोडीन में मान का क्या तात्पर्य है, एथिल एसो एसिटो एसिटेट की अनुनादी संरचना लिखना होगा, ज्यूटर आयन को परिभाषित कीजिए, और एनिमर व एपीमर क्या हो, क्या अंतर है दोनों के अंदर, डिफरेंस बिटवीन एनिमर और एपीमर। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज और एसिटोन दोनों में ही कीटोनिक समूह है, परंतु फिर भी फ्रक्टोज फ्लोल विलियन का ऑप्शन होता है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हिंदी में समझ में नहीं आए तो, वल्कनीकरण क्या होता है, एंजियोरंजक क्या होता है, एंजियोरंजक रासायनिक विस्तार में उचित उदाहरण देकर समझाना होगा विस्थापन को, शिखर क्षेत्रों को निर्धारित किस प्रकार किया जाता है, फिरोल संश्लेषण के दो विधियाँ, तेलों से वनस्पति घी का निर्माण कैसे होता है, 1 और 3 डायोथाइमस का एल्किलीकरण किस प्रकार किया जाता है, प्रोटोन का प्रगीकरण क्या होता है, अपचाय तथा अनपचाय शर्करा में विभेद कीजिए, और अथवा के अंदर भी दे रखे यहाँ पर निम्नलिखित संख्या पर टिप्पणी लिखना होगा, एरिथ्रो हो गया, थ्रियो समावी हो गया, प्रतीप संकरा हो गया, और 6 नंबर क्वेश्चन आता है उन पदों को समझाना होगा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, विट का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर दे रखे हैं बेकेलाइट के संश्लेषण में उपयोग पर टिप्पणी लिखी। सेक्शन सी के अंदर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को समझाना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है फायरोल थायोफिन हो गया एवं फ्यूरेनिन की एरोमेटिक प्रकृति की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, इन यौगिकों की अति एरोमेटिक क्यों कहा जाता है। 9 नंबर आता है अल्फा अमीनो अम्लों की संश्लेषण की दो विधियों का वर्णन कीजिए, इनकी उभयधर्मी प्रकृति को समझाना होगा, और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ओसा जोन निर्माण हो गया और मोलिस परीक्षण हो गया। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भी दो का संक्षेप में दीजिए, संश्लेषण लिखना होगा, मेलेकाइट ग्रीन हो गया, क्रिस्टल बैंगनी हो गया और इंडिगो हो गया। पेपर कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।